हाय फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है हम नेचर से बहुत दूर एक कंक्रीट जंगल में रह रहे हैं, पर मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। इस जंगल के आसपास एक अदृश्य जाल लगा हुआ है और वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जाल। जरा सोचिए, 20 साल की इस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ने हमारे एज को बढ़ाने के बजाय उल्टा 20 साल कम कर दिया है। मोबाइल फोन्स, टैब्स, लैपटॉप्स, माइक्रोवेव ओवन्स और अब तो ये LED लाइट फिटिंग्स, ये सारी चीजें बहुत हद तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करती है। आप लोगों ने कई सारे सोशल एक्टिविस्ट, सेलिब्रिटीज, न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ चैनल्स में इन रेडिएशंस के बारे में सुना या पढ़ा होगा, पर शायद कभी इन रेडिएशंस को अपने नजरों से नहीं देखा होगा। तो आइए पहले हम इन रेडिएशंस को देखते हैं। तो देखा आपने ये रेडिएशंस कितने स्ट्रांग होते हैं और इनका रेडियस कम से कम 2 से 3 फीट का होता है। छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन्स और बीमार लोगों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इसीलिए तो डॉक्टर हमें जब हम बीमार होते हैं तब इन मोबाइल फोन्स और लैपटॉप से दूर रहने की सलाह देते हैं। अब हम इन गैजेट्स को यूज़ करना छोड़ तो नहीं सकते, पर कुछ प्रिकॉशंस तो ज़रूर ही ले सकते हैं। जैसे मोबाइल और लैपटॉप्स को चार्ज करते वक्त तो बिल्कुल ही यूज ना करें। रात को सोते वक्त इन डिवाइसेस को अपने शरीर से कम 2 से 3 फीट दूर रखें। 18 साल से कम के बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन्स इन डिवाइसेस को सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही यूज करें। मोबाइल यूज करते वक्त हमेशा ईयरफोन्स का इस्तेमाल करें। कई सारे फोन्स के यूजर मैनुअल में यह तक लिखा है कि यूज दिस डिवाइस 6 to 8 inches अवे फ्रॉम योर बॉडी। लैपटॉप्स को कभी भी अपने लैप पर या बॉडी के पास रख कर यूज ना करें। मैं मेरे एक क्लाइंट के घर रेडिएशन टेस्ट के लिए गया था और वहां मैंने क्या देखा कि उनकी 16 साल की बेटी बेड पर सोते हुए लैपटॉप को अपने चेस्ट पर रख कर यूज कर रही है। नो डाउट पिछले कुछ सालों में कैंसर और हार्ट अटैक के केसेस 3 गुना क्यों बढ़ गए हैं और रेडिएशन इसका एक मुख्य कारण है। रिसर्च ने भी ये प्रूव किया है कि इन गैजेट्स को अगर हम 10 से 15 मिनट अपने बॉडी से कनेक्टेड रखते हैं तो वहां का टेम्परेचर कम से कम 2 डिग्री बढ़ जाता है। मैंने कई सारे रेडिएशन अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं और जहां कहीं पे भी मैं जाता हूं, हर जगह पर पेरेंट्स की यही कंप्लेंट होती है कि हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं और पूरा पूरा दिन मोबाइल्स और लैपटॉप्स पे लगे रहते हैं। तब मेरा उनको एक ही आंसर होता है कि जब तक वो लोग ये रेडिएशंस को देखेंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि जो लोग पूरा पूरा दिन मोबाइल पर लगे रहते हैं, मोबाइल फोन्स को अपने तकिए के नीचे रखकर सोते हैं और लैपटॉप्स को अपने लैप पर या अपने बॉडी पर रखकर यूज करते हैं, वो बस ये वीडियो देखे और अपने आप को और आने वाली जनरेशन को इन खतरनाक रेडिएशन से बचा सके। तो प्लीज इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हमारे देश का हर व्यक्ति इसे देखे और अलर्ट हो जाए। थैंक यू एंड गुड बाय।